वेलकम फ्रेंड्स, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि कई बार लोग बुट्टी बोरी को अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत सारे लिहाज से, खास करके पढ़ाई को लेकर के। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर है, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बीच में एपेक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने फोकस किया अपने बच्चों पर, और उसकी परिणति यह है कि हमारे पास जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाले। हमारे साथ में आज वही दो होनहार विद्यार्थी हमारे साथ में हैं और संस्कार की माताजी भी हमारे साथ है। इस बातचीत के दौरान हम पता करने की कोशिश करेंगे कि कैसे चौधरी सर, जो कि एपेक्स को संभालते हैं, उन्होंने कैसे उनका मार्गदर्शन किया। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज ये विशेष प्रस्तुति हम स्टार एपेक्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं करूंगा उनकी माताजी से, तुम्हाला कसं वाटत राहिलेलं आहे? समाधान आहे ना? बिलकुल, प्रत्येक आई समाधानी नसतेच, त्याला 100 मिळाले असते तरी तुम्हाला असलं वाटलं असतं की 101 काने मिळाले त्याला, ठीक आहे। सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स, कारण 94% म्हणजे आज त्याला सर्व दारं उघड्या आहेत। एक तर सायन्स घेऊन तो पुढे जे काही करायचं त्याला आयुष्यामध्ये, इंजिनिअरिंग करायचं किंवा मेडिकल करायचं किंवा बायोमेडिक करायचं किंवा कॉमर्स करायचं। कालच मी एका टॉपरची इंटरव्ह्यू बघत होतो, जिने इंडियामध्ये टॉप केलं, तिला 499 मिळाले। तिला जेव्हा विचारण्यात आलं तर ती म्हटली की मला कॉमर्स परसू करायचं आहे, तर तो NDTV चा माणूस तिला पुन्हा विचारायला लागला, आप सचमुच कॉमर्स करने वाले? हाँ बोला, इकोनॉमिक्स में मुझे एक्सेल करना है। तो ट्रेंड बदलत राहिलेले, जगातले सर्व ट्रेंड्स बदलत आहेत। तर सर आपण ह्यांना विचारू ज्यांनी पास केलेलं आहे, आणि कारण एपेक्स से क्या मदत मिली आपको? एपेक्स से सर, पहली बात तो घर पे पढ़ता नहीं था ज्यादा। अच्छा, एपेक्स से मैं पढ़ने लगा, मतलब कम से कम 2 या 2.5 घंटे तो ट्यूशन में आके पढ़ता ही था। ओके, घर जाके भी हो जाती इच्छा, पढ़ लिया करते थे, तो मदद मिली पढ़ाई में, टाइम ज्यादा दिया पढ़ाई को। ओके, कोई एक ऐसा मेथड था क्या कि जिसको तुम फॉलो करते थे? मेथड तो सर यही था, कंसिस्टेंसी रखना, टेंथ अपने को कंसिस्टेंट रखना है। कंसिस्टेंट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट रेगुलर अपने को पढ़ाई करना है, और 2 से 2.5 घंटे, जो कि यूजुअली ये होता है कि लोग अपने इंटरनेट में या वीडियो वॉचिंग में या चैट करने में गुजार देते हैं, ऐसे में बच्चे 2.5 घंटे अगर पढ़ाई को देते हैं तो उनका उसका रिजल्ट जो है अपने सामने। एक एवरेज स्टूडेंट से लेकर के 94 तक का जो सफर है एपेक्स के माध्यम से भाई साहब ने करने की कोशिश की। हमारे साथ में सेंट क्लेरेट के और एक विद्यार्थी है जिन्होंने 91% लिए, प्रतीक। हम प्रतीक से भी बातें करेंगे। प्रतीक, कसं वाटत राहिलेलं आहे? चांगलं वाटतंय। आणि काय करायचंय मग पुढे आता? इंजिनिअरिंग करायचंय। वडील आहेत तुमच्या संगती? Yes. काय म्हणता? हॅपी? मस्ती वगैरे करतो की मुलगा? मस्ती वगैरे करतो की नाही घरी? मस्ती, सगळंच मस्ती। व्हेरी गुड। माझं असं म्हणणं आहे की जितकं तुम्ही त्यांना फ्री ठेवाल, जितकं त्यांना लिबरल ठेवाल, लेकरं तेवढे शिकतात। कारण बऱ्याचदा काय होतं की आपण त्यांच्यावरती खूप दबाव टाकतो, आणि त्यामुळे काय होतं की रिझल्ट जे दबाव बाई रिझल्ट येत नाही। दबाव टाकू नका, कारण एपेक्सनी नेहमी हे प्रयत्न केलेला आहे की मुलगा किंवा मुलगी किती रिलॅक्स्ड राहिली पाहिजे। हमारे साथ में एपेक्स को जो देखते हैं, जिसके अंडर गाइडेंस ये सब कुछ हुआ है, चौधरी सर भी है। हम चौधरी सर से भी बातें करेंगे कि चौधरी सर क्या उनका इनसाइट क्या है, ये जो इतने प्यारे रिजल्ट्स जो हमारे सामने हैं उस पर उनका क्या कहना है। चौधरी सर, आपकी क्या राय है? ये दो बच्चों, ये तो इंडिकेटर है एपेक्स का, आपकी क्या राय है इसके बारे में? सबसे पहले मैं दोनों बच्चों को तो और उनके माता पिता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा स्कोरिंग किया। अपेक्स ये पहले साल बुट्टीपुरी में उन्होंने अपना वाई इट इज अपेक्स ये शो कर दिया कि उनके रिजल्ट में वो टॉप पे चले गए हैं। एक अच्छा एक रिजल्ट अपेक्स ने दिया है बुट्टीपुरी में। पहले जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हमने एक माइक्रो प्लानिंग किया, यूनिट वाइज प्लानिंग किया, मैनेजमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि इट इज़ एन टीम एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट, टीचर्स
एंड द स्टूडेंट द होल क्रेडिट इज गिवन टू द टीम, जिसमें हमें सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस ना करते हुए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी हमने लिए, जिसमें हमारे जादव सर ने बहुत अच्छा रोल निभाया। हमारे जो सब्जेक्ट टीचर्स है, योगेश सर है, रामटेके सर है, पूजा मैडम है, इन्होंने भी अपने सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छा कमांड था, उन्होंने बच्चों की उस तरह से प्रैक्टिस करवाई एंड स्टूडेंट्स दे ऑल्सो डिड देयर जॉब वेरी परफेक्टली एंड प्रॉपरली एंड फॉलो द सजेशन विच इज गिवन बाय द टीचर्स एंड ऑल ओवर द मैनेजमेंट। सो दिस इज द रियल थिंग दैट स्टूडेंट कैन अचीव देयर हाइट्स। यही चीजें थी जो बच्चों को ऊपर तक लेके गई। चौधरी सर, मैं अभी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन दिनों एक बहुत बड़ा ट्रेंड सामने आ रहा है, कॉमर्स। कॉमर्स बहुत, ऐसे मैं, मेरा ये मानना है, मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करता हूँ, कि कॉमर्स एक बहुत बड़ा ओपनिंग है नए विद्यार्थियों के लिए। आपकी क्या राय है, क्योंकि उसके एक्सपर्ट है आप, आपने कई बच्चों को उससे ग्रेजुएट कराया है, बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचाया है, कॉमर्स एक कैसा ओपनिंग है लोगों के लिए? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा जादू सर। देखो होता क्या कि आज जो बच्चों के ट्रेंड है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। पहले जो बच्चे की एक सोच थी कि मैं क्या बनूं, तो दो ही चीज दिमाग में आते थे, एक डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर। अभी इकोनॉमी को लोग समझने लगे हैं, और चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, कहीं ना कहीं हम बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं पैसों का संभालना ये बहुत जरूरी है। कॉमर्स आपको वर्सेटाइल है इसलिए क्योंकि वो हर फील्ड में आपको हेल्पफुल करेगा। आज बच्चे सिर्फ एक सीए के लिए नहीं सोच रहे, सीएस के लिए नहीं सोच रहे, वो सोच रहे बैंकर के लिए, वो सोच रहे इंडस्ट्रियस के लिए, क्योंकि पूरी इकोनॉमी को संभालना ये कॉमर्स के बच्चों को आ रहा है, या कॉमर्स को वो जो ट्रेंड बढ़ रहा है ये इसी कारण बढ़ रहा है कि पूरी इसमें वो सर्विस ओरिएंटेड बन रहे हैं, वो जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, वो बिजनेसमैन बन रहे हैं, और इसी कारण उनको पता चल गया कि बस ये डॉक्टर या इंजीनियर ये एक लिमिटेड फील्ड ना होते हुए कॉमर्स एक इंटरनेशनल लेवल पे आप परस्यू कर सकते हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स में जाओ, चाहे आप अकाउंटेंसी में जाओ, चाहे आप और भी मैनेजमेंट में जाओ, आपको होल ओवर द नेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू गॉट अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और यही कारण है कि कॉमर्स का ट्रेंड आज बढ़ रहा है, कॉमर्स की एडमिशन मिलती नहीं है, ऐसे भी परिस्थिति नागपुर के यूनिवर्सिटी में बन रही है, अदर यूनिवर्सिटी है। अगर आप मुंबई में देखो तो सबसे पहले कॉमर्स की जगह फुल होती है, इसके पीछे रीजन है कि द ट्रेंड इज नाउ शिफ्ट। ये एक वंडरफुल इंसाइट है हम लोगों के लिए, माँ बाप भी हमारे साथ में है, कि आपल्याला निराश व्हायची गरज नाही। आता पूर्ण मार्केट असं ओपन झालेलं आहे, एज्युकेशनची पूर्ण पूर्ण व्यवस्था आपल्यासाठी ओपन आहे। पहिले सीमित होतं सर्व काय, कारण आपले लिमिटेशन्स असतात, कधी फीजची लिमिटेशन्स असतात, कधी सीट्सची लिमिटेशन्स असतात। पण आपल्याला जेव्हा आपण बघतो, जसं चौधरी सरांनी सांगितलं की कॉमर्स सुद्धा हा एक मोठा विषय आपला आपल्या पुढे उभा राहिलेला आहे, आणि त्या विषयामध्ये इतका सारा स्कोप आहे, इतके स्ट्रीम्स आहेत की आपल्या मुलांना कुठेही एक्सेल करता येतं, त्यांना ते उच्चांक गाठता येत। प्रतीक और उसके पिताजी, माताजी और उनका बेटा जब 94% लाता है, उनके एस्पिरेशन्स और बढ़ जाते हैं। योगेश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब ये बच्चों ने 10th कर लिया है, 10th के बाद आप क्या टिप्स देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे इन बच्चों को, इन माँ बाप को, कि अब इन्होंने यहां से आगे कैसे अब प्लान करना चाहिए? यहां से आगे अकॉर्डिंग टू माय प्लान, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, स्टूडेंट ने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। दैट मींस लाइक साइंस का जैसे वो मैथ्स और फिजिक्स में गुड है, सो ही मस्ट बी फोकस्ड ऑन फिजिक्स, साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सो दैट मस्ट बी हिज स्ट्रेंथ, सो ही मस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट। जैसे प्रतीक भी सेम, ही इज आल्सो गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, सो ही मस्ट बी फोकस्ड ऑन मैथ्स एंड फिजिक्स, सो ही माइट गो फॉर दी IIT and TU, I guess. Okay. That's what is good for him. Okay. योगेश सर का कहना बिल्कुल साफ है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, दोनों बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो अपने आप में बहुत बेमिसाल है, वो स्ट्रेंथ है उनकी, क्योंकि वो फिजिक्स के सर है, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया है, उन्होंने देखा है, उनका ऑब्जर्वेशन है, तो उन्होंने पता किया है कि नहीं बच्चों की कहाँ पर स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है। उनकी स्ट्रेंथ है, अपने को स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपल्याला स्ट्रेंथ वरती काम करायला। हा मेसेज तुमच्या दोघांसाठी आहे, सरांनी जे सांगितलेलं आहे, योगेश सर जे बोलत आहे, आणि आई वडील मागे उभे राहतातच, आई वडील नेहमी तुमच्यासाठी उभे राहतातच, कारण आई वडील ते करतील जे तुम्ही सांगाल। तुम्हाला लागणारा जे काही पैसा आहे, रिसोर्सेस आहे, जे काही
तुमच्यासाठी उभा राहायचं आहे त्यांना मागे, ते तुमच्यासाठी करतात, तर तुमच्या स्ट्रेंथ्सवरती काम करा. आणि माझं असं म्हणणं आहे की तुमचा हा वेकेशन पण सुद्धा तुम्ही प्लॅन करा की मला सुट्टीला बाबा हे करायचं. आणि पेरेंट्सला मला रिक्वेस्ट आहे, मामाच्या बहिणीच्या पुतण्याच्या आजोबाच्या मुलीच्या बहिणीचं लग्न आहे, आम्ही जातो. जाणं गरजेचं आहे कारण आपली व्यवस्था तशी आहे. लेकरांना त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह करू नका. काय होतं की तो एक इम्पॉर्टंट पिरियड त्यांचा जीवनातला, मग काय होतं म्हणजे त्याचा एक हँगओव्हर असतो आणि मग तो त्यांच्यावरती राहतो. मग ते त्याच्यातून बाहेर निघता त्यांना वेळ लागतो. तर तुम्ही सुद्धा प्लॅनिंग करा की बेटा अपने को अभी अगर छुट्टी लगी है तो यहां से यहां तक छुट्टी है, इसके बाद ये पढ़ाई का सेशन है. ऑफकोर्स योगेश सर, चौधरी सर तुम्हारे लिए प्लान ऑफ एक्शन भी देंगे कि कैसे तुम छुट्टियों में भी काम करोगे, क्योंकि छुट्टियों से बेहतर वक्त नहीं है तुम लोगों को किताबें रेफर करने के लिए. देर आर लवली बुक्स, देर आर लवली वीडियोज टू वॉच. इवन तुम्हाला जर इंटरनेट वापरायचं तर त्याला साकारतेने वापरा, सकारात्मक वापरा. त्याच्यावरती फिजिक्सचे इतके चांगले चांगले एक्झाम्पल्स आहेत की तुम्ही त्याला एन्जॉय करू शकता. ब्युटिफुल कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मुलाज, केमिस्ट्री के कितने तभी एक्सपेरिमेंट्स इतने प्यारे हैं कि आपको उससे प्यार हो जाएगा. मेक अ रेगुलर हैबिट कि मैं आज दिन में इतना सारा काम करूंगा. साथियों, पुट्टी बोरी के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि मैं हरदम, लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना है आपको, नागपुर जाना है. किसी भी चीज़ के लिए क्या करना है, नागपुर जाना है. लेकिन बुट्टी बोरी में एपेक्स जैसी एकेडमी खोल करके, मैनेजमेंट कहो, लेकिन मैनेजमेंट बगैर टीचर्स के कुछ भी नहीं है और आप जैसे विद्यार्थियों के बगैर कुछ भी नहीं है. ये दोनों बच्चों को मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब इनके क्लासेस लेता था, इनके साथ मस्ती करता था, इनके साथ मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें करता था, तो मैं एक ही चीज़ कहता था इनको कि ओपन अप, खुल के रहिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए. आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, घर में भी जे काय असेल आई वडिलांशी शेअर करा. काही कुठलाही मुद्दा असला घरात शेअर करा, अभ्यासाबद्दल असेल, पर्सनल असेल, फायनान्शियल असेल. आई वडील असतात, ते तुम्हाला जे काय त्यांच्या परीने होईल ते करतात आणि तुम्हाला माहीत आहे. तर माझ्याकडून, स्टार एपेक्सकडून आणि एपेक्स अकॅडमीकडून तुम्हा सर्वांना पुन्हा एक वार अभिनंदन. तुम्ही खूप एक्सेल करावं, पुट्टीबोरीचं नाव मोठं करावं, आपल्या सरांचं नाव मोठं करावं आणि आपल्या आई वडिलांचं नाव मोठं करावं. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू सो मच.